अपन वापस से आते क्वेश्चन पर। क्या है क्वेश्चन? कि नीचे दिए गए प्रश्नों में चार विकल्पों में से एक ऐसा विकल्प चुनो जो ये दिखा सके कि अपोजिट क्या है, अपोजिट मतलब विलोम मीनिंग क्या है, उल्टा अर्थ क्या है ऑफ द वर्ड्स, उन शब्दों का जो नीचे बोल्ड लेटर्स में दिए गए हैं। बोल्ड लेटर्स मानी होते हैं डार्क किए गए अक्षर। अब देखो इसमें ये बोल्ड दिया गया है, या कैपिटल कर दो आप, बोल्ड को कैपिटल मान लो या फिर डार्क। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मान लो मुझे पूरी लाइन में चूज हाईलाइट करना है तो इसमें मैं ओवरराइट कर देता हूं तो ये बोल्ड हो जाएगा। तो ये पांच शब्दों में से आपको कौन कौन से शब्दों की मीनिंग आती है पहले तो ये बताओ। पांच शब्दों में से एक भी शब्द की मीनिंग आती हो, पावरफुल यानी क्या होता है शक्ति, ये शक्तिशाली हो गया। चलो बताओ और किसका आता है स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट यानी कौन होता है सख्त आदमी, कहते हैं ना कि सख्त है ये। और स्टर्न यानी क्या होता है, ये भी सख्त होता है। क्या होता है सख्त। अब जल्दी जल्दी में एक बच्चा क्या गलती करता है कि ढूंढना तो क्या है अपोजिट, और ढूंढ क्या देता है पर्यायवाची। लो और लखर और आ जाओ बढ़िया से, जाओ ये साफ देखो हम करके आए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन हो गया। तो देखो ऑस्टियर यानी क्या होता है संयमी, क्या होता है ऑस्टियर यानी संयमी। और लेनियंट यानी कौन होता है उदार, कौन होता है उदार। अच्छा उदार के मैं और भी पर्यायवाची आप लोगों को बता देता हूं। एक तो है जी ई एन ई आर ओ यू एस, क्या है बोलो बोलो मेरे साथ साथ बोलो जी ई एन ई आर ओ यू एस, बोलो दोबारा बोलो जी ई एन ई आर ओ यू एस। देखो जनरल की स्पेलिंग क्या होती है, जनरल की स्पेलिंग जनरल जनरल जी ई एन आर ए एल, लेकिन देखो जी ई एन जैन तो ये हो जाएगा फिर ई आर फिर ओ यू एस, तीन टुकड़े में याद करो ये स्पेलिंग याद हो जाएगी जनरस यानी उदार। एक होता है एल आई बी आर ए एल, ये सही है कि स्पेलिंग गलत है, क्या आएगी एल आई बी ई आर ए एल, ये बी ई लगेगा एल आई बी ई आर ए एल, लिबरल यानी भी क्या होता है उदार। एक और होता है मैग, मैग नानी मस, मैग नानी मस, ये इसको बोलते हो चरण मैगनेनी मस, क्या बोलते हैं बोलो। कितने शब्द हो गए उदार के अब तुम्हारे पास, चार। अब इसमें कहीं लेनी है तो ले ले, नहीं ले तो मत ले, लेनी है तो ले ले, नहीं ले तो मत ले, लेनी है तो ले ले, तो इसका मतलब उदार आदमी कहता है लेनी है तो ले ले, नहीं ले तो मत ले। जेनरस उदार, लिबरल उदार, मैग्नेनिमस जब नानी के गयो तो उदारता के साथ नानी ने मैगी बना दी, नानी गयो तो मैगी बना दी, तो मैग्नेनिमस ऐसे याद कर लेना। और अब बताओ पांचों के अर्थ आ गए अब आप पर, अब मुझे बताओ विलोम कौन सा है, सख्त का विलोम, जो इंसान सख्त होता है उसका विलोम क्या होगा उदार। भाई मैंने कहा यार तू तो सख्त हृदय बन रहा है कि नहीं, नहीं थोड़ा सा उदार हृदय बन, कैसा हृदय बन उदार, सुना होगा आपने काइंड दयालु, तो उस तरीके का आदमी होता है ये उदार। अच्छा सख्त की एक और अंग्रेजी में बता देता हूं आपको रिजिड, कौन सी रिजिड। अब टोटल मिलाकर के इस क्वेश्चन के अंदर आपको कितने वर्ड मिले, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, इन नौ शब्दों को बिल्कुल ढंग की लिस्ट बना करके जैसे ऐसे की ऐसे ही कॉपी में फटाफट फटाफट लिख लो, कोई भी अर्थ नहीं आ रहा हो समझ लेना। बोलो इन चारों के अर्थ क्या है, इन सबके, इन चारों के अर्थ क्या है उदार। और इसका तो मैंने लिखा ही नहीं, इसका भी मैंने कोई पर्यायवाची नहीं लिखा, इसका भी नहीं लिखा, आंसर क्या आएगा इसमें सी लेनिएंट। चलो अब अपन आगे चलते हैं, देखो ये वाला वर्ड है, ये क्या कर रहा है, कर क्या रहा है ये चाय और ब्रेड लेके जा रहा है, गलती से ठोकर लगी और लगभग लगभग गिरने वाला है, तो ये कैसी स्थिति हो रही है इसकी, भद्दी स्थिति। किस स्थिति में खड़ा है ये, भद्दी। तो अनकाउथ यानी होता है भद्दी और विचित्र, क्या होता है अनकाउथ यानी बोलो बेटा, अनकाउथ का मतलब क्या होता है, भद्दी या भद्दी या भद्दी या भद्दी या विचित्र। अच्छा अनकाउथ, तो काउथ का मतलब क्या होगा अच्छी, और अनकाउथ यानी क्या होगा भद्दी, ठीक है ना। अच्छा इनमें से कौन कौन से के अर्थ जानते हो तुम, अनयूजुअल, अनयूजुअल यानी क्या होता है असामान्य, क्या होगी
एलिगेंट यानी क्या होता है, शानदार, क्या होगी शानदार, या फिर इसको बोलते हैं स्प्लेंडिड, क्या बोलते हैं स्प्लेंडिड, शोभनीय, ऐसे ही बोलते हैं इसको, शोभनीय। शोभनीय का कौन सा पर्यायवाची है, आता है क्या तुम पे, जी आर ए सी आई ओ यू एस, ग्रेसियस यानी शोभनीय होता है। इंट्रोवर्ट यानी क्या होता है, अंतमुखी, क्या होता है, कितने मुखी होते हैं, तीन तरह के मुखी होते हैं, एक तो होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है बेटा एक्सट्रोवर्ट, और एक होता है अपन का एम्बीवर्ट, क्या होता है एम्बीवर्ट। अच्छा, रोज अपन ऐसे ही एक एक सीट सॉल्व करा करेंगे। अब जैसे आज मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा, इसके दो या तीन, दो तो हो चले, फिर दो और करा दूंगा, चार हो गए। अब ये एक सीट, पहली सीट आपकी जाकर के पांच दिन में पूरी होगी, जिसमें दो पर्यायवाची पढ़ लिए, ये दो अपन विलोम पढ़ रहे हैं, फिर दो अपन स्पेलिंग एरर पढ़ लेंगे, फिर दो अपन वन वर्ड पढ़ लेंगे, और दो मुहावरे। हाँ, इंट्रोवर्ट हो गया, अंतमुखी, फ्यूरियस, फ्यूरियस यानी क्या होता है बेटा, क्रोधित, क्या होता है बोलना बोलना, और इसको क्या बोलते हैं, एंग्री, क्या बोलते हैं एंग्री, एक बोलते हैं वीई एक्स ई डी, वेक्स्ट, क्या बोलते हैं वीई एक्स ई डी, वेक्स, और जब वेक्स करें तो एंग्री तो भैया आदमी। एम्बीवर्ट यानी होता है उभयमुखी, क्या होता है, अच्छा सर हमको तो इनके मतलब ही नहीं, मतलब क्या है कि इनके बहिर्मुखी उभयमुखी, हमको तो इनके मतलब ही नहीं पता क्या होते हैं, कोई जानता है क्या, अंतर्मुखी बहिर्मुखी और उभयमुखी का मतलब क्या होता है, जानता है कोई, मैं बताता हूं, जो व्यक्ति कोई भी बात हो मनी मन में रखे, बोले नहीं, वो तो होता है, और कई लोग मन की बात है कतई खुल के ही बोल दे, वे कभी से नहीं सोचे तुरंत बोले, तो वो क्या होते हैं एक्सट्रोवर्ट, और एक्स मानी बाहर, इन यानी अंदर, तो इंट्रोवर्ट अंदर की तरफ रहने वाले, एक्सट्रोवर्ट बाहर की तरफ रहने वाले, और एमबी दोनों, एमबी यानी दोनों, मतलब कभी ऐसी बात अन्य पचा जाए, कभी तो कटक जाए, कभी उगाल दे, कभी तो उगल दे, और कभी कभी कई बार कहने रे कटक गो मारो, बात है बोल दे का है कटक गो, यार देख कई जगह पर थोड़ा ना चुप रह कर, ज्यादा मत बोले कर, कहते नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जो दोनों तरह का होता है उसको कहते हैं अपन उभयमुखी। बोलो बात समझ में आ गई, पक्की आ गई, सबके आ गई, क्लियर कट। अच्छा चलो बताओ एक बार मेरे साथ साथ जोर जोर से बोलो, अनकाउथ यानी भद्दी या विचित्र, या भद्दा या विचित्र, एक ही बात है। अच्छा बताओ अनयुज्वल यानी एलिगेंट यानी शानदार या शोभनीय, इंट्रोवर्ट यानी फ्यूरियस यानी फ्यूरियस यानी फ्यूरियस यानी, अब बनाओगे कैसे, याद कैसे करोगे। मैंने कहा कि जब मैं ज्यादा खेलता हूं और कम पढ़ता हूं तो मेरे पापा मुझे फ्यूरियस नजर आते हैं, मेरे पापा मुझे कैसे नजर आते हैं, फ्यूरियस मतलब क्रोधित नजर आते हैं। मैंने कहा जब मेरे को कोई गाली दे देता है तो मैं क्या बन जाता हूं, फ्यूरियस बन जाता हूं, क्या हो जाता हूं, फ्यूरियस बन जाता हूं। तो ऐसे आप दो चार सेंटेंस हिंदी के बोल करके अंग्रेजी का शब्द उसमें रख दो। तुम ऐसा कहां बोलते हो, क्रोधित शब्द कहां बोलते हो तुम, अरे तो गाली दे दी तो कहा हो, इतने क्रोधित तो मत हो, ऐसे बोलते ना, तो अरे तेरे को गाली दे दी तो क्या हो गया, इतना फ्यूरियस तो मत हो, एंग्री तो मत हो, इतना क्या मत हो, वेक्स्ड मत हो। ऐसे इंट्रोवर्ट ये तो काम कम आता है, एलिगेंट शानदार और शोभनीय तो काम आता है, यार मैं गया भाई साहब जयपुर में, इतने एलिगेंट बिल्डिंग्स थी, बहुत एलिगेंट बिल्डिंग्स, बहुत शानदार बिल्डिंग्स, एलिगेंट बिल्डिंग, अरे रोड भी एलिगेंट थे वहां तो, हमारे गंगापुर में देखे थे इतने गड्ढा पड़ रहा है, वहां तो एलिगेंट रोड थे, तो आपके क्या आ जाएगा, क्लियर है, दिमाग में सेट हो जाएगा कि एलिगेंट यानी शानदार, और फ्यूरियस यानी क्रोधित, और इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी, और अनयुज्वल यानी असामान्य, यूज्वल यानी सामान्य, अनयुज्वल यानी असामान्य, और अनकाउथ यानी क्या हो गया, भद्दा। बोलो कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, आंसर बताओ इसका, पर्यायवाची नहीं बतानो, विलोम बतानो है, क्या है गो, एलिगेंट, जो चीज भद्दी होती है उसका विलोम क्या होगा, शानदार, ये अगर भद्दी रोड है, अरे शानदार रोड नहीं हो गया विलोम, हाँ तो यही आएगा विलोम, लिख दो फटाफट। ग्रामर में तुम्हें ज्यादा मेहनत तो मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेहनत मशक्कत किस में करनी है, सबसे ज्यादा ऐसी चीज जो तुम्हारे समझ में ही नहीं आएगी, वोकैब समझ में आने की चीज ही नहीं है, ये तो रटवी की चीज है, ये समझ में की चीज है का, अरे पी एन पेन यानी कलम हो तो हो या मैं क्या कर लूंगा, ने बी ओ ए आर डी बोर्ड यानी बोर्ड होता है, पट होता है, होता है तो होता है, एफ ए एन फैन यानी पंखा होता है तो होता है, रटना पड़ेगा,
क्या नहीं रटना पड़ेगा? इसकी स्पेलिंग तुम मोबाइल कैसे याद की? दुनिया बोलती है मोबाइल, मोबाइल याद होगी? अब यागो तुम यो थोड़ी क्यों चलित चलित दूरभाष यंत्र, अरे ऐसे बोलते हो क्या? नहीं बोलते ना इसको, तो आप मोबाइल फोन बोलते हो। क्यों बोलते हो? क्योंकि दुनिया बोलती है। तो अंग्रेजी तो ऐसी होती है, इंग्लिश को तो क्या है, वोकैब को तो अपन को रटना ही पड़ता है। वोकैब में समझने लायक कोई चीज नहीं होती, पहली बात। और बहुत कम टीचर मिलेंगे तुम्हें जो वोकैब पढ़ाएंगे। नॉर्मली क्या है, सब लोग ग्रामर ही पढ़ाते हैं, लेकिन ग्रामर के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं आजकल पेपर में। चलो देखो, बोलो इनमें से कौन सी स्पेलिंग तुमको आती है? पहले तो फटाफट बताओ स्पेलिंग कौन सी आती है, बताओ। सराउंड आती है, सराउंड यानी क्या होता है, हैं? देखो पता ही है, सराउंड नाम की स्पेलिंग किससे बनी? राउंड से। अच्छा राउंड यानी क्या होता है, राउंड यानी क्या होता है, गोल गोल। राउंड यानी क्या होता है, गोल गोल। और राउंड से एक शब्द बना है अराउंड, जिसमें केवल एक ही आर आता है। आर कितना आता है, केवल। अराउंड का मतलब क्या होता है, चारों ओर, चारों ओर। एक शब्द बना है सराउंड, एस यू डबल आर ओ यू एन डी। सराउंड यानी होता है घेरना, क्या करना, एस यू डबल आर ओ यू एन डी आई एन जी, सराउंडिंग। सराउंडिंग यानी होता है आस पास का, क्या होता है, आस पास का। और एस यू डबल आर ओ यू एन डी आई एन जी एस, सराउंडिंग्स, इसका मतलब होता है वातावरण। हां खड़ा हो, इनको एक एक बार पढ़ के जोर जोर से अर्थ बताएं इनका। अराउंड का मतलब, सराउंड का मतलब, सराउंडिंग, सराउंडिंग यानी क्या होता है, आसपास। और सराउंडिंग्स वातावरण, जब सराउंडिंग में एस लग जाएगा तो बाता। स्पेलिंग में का टेंशन है वालो, आर ओ यू एन डी राउंड से तो क्या बनी, अराउंड, ए आर ओ यू एन डी। राउंड यानी गोल गोल, अराउंड यानी चारों ओर, और फिर बनी सराउंड, एस यू डबल आर ओ यू एन डी, घेरना, तो भी चारों ओर से घेरता आदमी। और सराउंडिंग आसपास, और सराउंडिंग्स वातावरण, एक ही शब्द से बना है। तो बोलो ये स्पेलिंग तो सही है ना, सर प्लस राउंड सही है, ठीक है, ये सही है। आपसे पूछ रहा है या तो तीन सही होगी एक गलत, या फिर तीन गलत होगी एक सही, पता लगाओ। अगली स्पेलिंग की बात करें, एस यू आर वी ई आई डबल एल ए एन सी, बताओ इसका मतलब क्या होता है। सर्विलेंस, सर्विलेंस होती है निगरानी, क्या होती बेटा, निगरानी। अच्छा मेरी बात समझो आप एक बार, इसको याद करने का तरीका बताऊं। देखो सर तो रहेगा इसमें, घूंघट की अंग्रेजी क्या होगी, घूंघट की वी ई आई एल, वेल यानी क्या होता है, घूंघट। अरे वी ई आई एल वेल यानी क्या होता है, लॉस्ट स्प्रिंग में सबने पढ़ा है कि वो जो मुकेश की भाभी होती है वो दादा के आते क्या कर लेती है, घूंघट कर लेती है। तो वहां पे बेल आया था, बेल सिस्टम सब जानते हैं, घूंघट प्रथा। वेल तो एक कॉमन वर्ड है आजकल, चौथी पांचवी का बच्चा जानता है वेल यानी घूंघट होता है। और फिर लेंस लगा दो घूंघट में, क्या लगा दो, लेंस। जैसे सर पर घूंघट ढककर के लेंस लगा दिया तो भी महिला क्या कर लेती है, निगरानी, क्या कर लेती है, सर पर घूंघट खींच करके लेंस लगा करके महिला क्या करती है, निगरानी। याद हो जाएगा, सर वेल लेंस हो जाएगा। स्पेलिंग भी कभी गलत नहीं होगी, एस यू आर वी ई आई एल एल ए एन सी, एस यू आर वी ई आई एल एल ए एन सी। सर्विलेंस यानी क्या होता है, निगरानी। थोड़ा सा काम किया तो याद हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है कि स्पेलिंग याद नहीं होगी। सर्वे, सर्वे यानी क्या होता है, सर्वेक्षण, क्या होता है। अच्छा ये भी सही है स्पेलिंग। और अगला है सरप्शिशियस, इसमें क्या गलती है, ये तो पता ही नहीं है सर हमको, तो स्पेलिंग ही नहीं आया। तो देखो इसके टुकड़े करता हूं, देखो ये क्या लिख रहा है, अरे क्या लिख रहा है, सर ने कही तेरे कदंगो एक कदंगो रैपट, इतनी सी बात पर, किस पर, इतनी सी बात पर सर ने कही तेरे एक रैपट दंगो, इतनी सी बात पर। याद हो जाएगा सरप्शिशियस। स्पेलिंग कैसे याद करोगे, एस यू आर ने कही आर ई पी टी दंगो,
आईटीआई बात पर ओयूएस हम सब के समझ गए कैसे याद कर लोगे एस यू आर आर ई पी टी आई टी आई ओ यू एस ये स्पेलिंग कभी गलत नहीं होगी तुम्हारी अब आज के बाद से इसमें एक ही आर दे रखा जरा देखना डबल आर आएगा तो आप ये देख लो कि तीनों स्पेलिंग चारों स्पेलिंग में से कौन सी स्पेलिंग सही है गलत है बोलो डी गलत है बाकी तीनों की तीनों सही है इसका मतलब क्या होता है गुप्त या छुपा हुआ क्या कहते हैं इसको गुप्त या अच्छा छिपा हुआ का कोई और वर्ड आता है क्या तुमको एक तो अभी अभी बताया कंसील्ड और एक होता है हिडन सुना हुआ शायद हाइड से हिडन सुना ना हिडन हाइड हिड हिडन तो चलो अपने ये पांच वर्ड्स दो दिन के अंदर सॉल्व हो गए अब चलते हैं अपन अपने व्याकरण के टॉपिक पर और व्याकरण में हमने शुरू किया था ये दो वर्ड और लिख लो फटाफट से ये और लिख लो नो डाउट चलो लेट अस बिगिन आवर टॉपिक और टॉपिक इज व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन टैक्स यस माय डियर फ्रेंड्स अपन ने कल क्या सीखा था अपन ने यह सीखा था कि एक सेंटेंस होता है और सेंटेंस के अंत में एक छोटा सा पुष्टि प्रश्न होता है जिसको अपन ने क्या नाम दिया कन्फर्मेशनल क्वेश्चन इस कन्फर्मेशनल क्वेश्चन के अंदर केवल दो ही चीज आती है एक तो आती है आपके हेल्पिंग वर्ब और दूसरा आता है अपन का सब्जेक्ट का प्रोनाउन यानी कि प्रोनाउन ऑफ अपन ऐसे बोल सकते हैं कि प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट बात वही है कि नहीं है प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट और दूसरा कि पहला क्या है हेल्पिंग वर्ब अच्छा हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट ये दोनों की दोनों कहां से आते हैं इसी सेंटेंस में से यहां सब्जेक्ट मिलेगा आपको और यहां क्या मिल जाएगी हेल्पिंग वर्ब इनमें से आप निकाल करके इस हेल्पिंग वर्ब को यहां रख दो और सब्जेक्ट का प्रोनाउन उठा करके यहां रख दो अपन ने देखा कि सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बना दो और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग को क्या बना के रख दो पॉजिटिव ओके कल अपन ने इतनी सी चीज सीखी जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा कि राहुल इज लाफिंग एक एग्जांपल तो मैंने ये लिखा कि राहुल इज लाफिंग एक मैंने लिखा कि सुनैना कैन नॉट सिंग वेल सुनैना अच्छे से गा नहीं सकती सिंग वेल अब ये दो सेंटेंस हैं इनका अपन को क्वेश्चन टैग बनाना है देखो दोस्त क्वेश्चन टैग कैसे बनाओगे बोलो पहले का कौन बनाएगा हाथ खड़े करो अच्छा तू बना देगी कल आई थी चल बता क्या बनेगा इज बन जाएगा खड़े होके बोल इज और ही बोल सेंटेंस कैसा है इसमें कोई नॉट वॉट आ रहा है नहीं तो अपन का क्या बनेगा इधर नेगेटिव बनाने के लिए क्या लगाएंगे एन अपोस्ट्रॉफ टी सही है ना बैठो ये क्या लिख रहा है ये हेल्पिंग वर्ब है ये उठ करके वहां आ गई ना पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी कि नहीं आएगी क्वेश्चन टैग में आएगी ना यही हेल्पिंग वर्ब यहां आ जाएगी जैसे इज यहां आ गई ना फिर आएगा सब्जेक्ट का प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट है राहुल पुरुष होता है ही तो अपन ने ही ले लिया यहां ले लिया अच्छा अब ये सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाने के लिए इसमें क्या लगा देते हैं एन अपोस्ट्रॉफ टी ये मैंने लिखाया नहीं आपको सुनैना नाम की कोई लड़की है वो कैन नॉट सिंग वो नहीं गा सकती वेल यानी अच्छे से नहीं गा सकती एक तो गुड तो होती है विशेषता और बेल होती है क्रिया की विशेषता तो वो गा अच्छा नहीं सकती तो गाना क्रिया है क्रिया की विशेषता बताने के लिए वेल आएगा और इंसान की विशेषता बताने के लिए गुड वस्तु की विशेषता बताने के लिए गुड जैसे मैंने कहा आई एम वेल गलत मैं बैल हूं चक्कर पड़ जाएगा आई एम गुड क्या बोलना पड़ेगा आई एम गुड मैंने कहा मैं अच्छे से खेल रहा हूं तो बोलो अच्छा किसके लिए आया मेरे लिए खेलने के लिए आई एम प्लेइंग वेल आई एम गुड एंड आई एम प्लेइंग वेल आप यूं नहीं कह सकते आई एम प्लेइंग गुड ये सब सिखाऊंगा मैं आपको अब बताओ इसमें सहायक क्रिया कौन सी है तो कैन का सेंटेंस कैसा है क्वेश्चन टैग कैसा रहेगा सुनैना कौन है शी तो यहां पर शी रख दिया बोलो दोनों क्वेश्चन टैग क्लियर हो गए कि नहीं हुए है ना कल मैंने यहां तक आपको पढ़ा दिया था मैंने आपको पढ़ाया था कि क्वेश्चन टैग में अपन क्या करते हैं सब्जेक्ट पे से प्रोनाउन लेते हैं सब्जेक्ट का सब्जेक्ट नहीं उठाते अपन प्रोनाउन लेते हैं तो मैंने आपको यह भी बताया था याद हो तो कि प्रोनाउन में क्वेश्चन टैग के प्रोनाउन में क्या क्या चीज रहती है ये क्या लिखा मैंने
शॉर्ट में लिखा है क्वेश्चन टैग को। क्वेश्चन टैग के प्रोनाउन में क्या क्या हो सकता है? ही, शी, इट, दे और आई, वी और यू। इसके अलावा देयर, हेयर और वन। देयर, हेयर और इनके अलावा उसके अंदर कुछ भी नहीं जाता, इनका बदला हुआ रूप भी नहीं जाता, मतलब ये किए जाएंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा तुम्हारे सामने और तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखना, वी आर हैप्पी, मैंने कहा हम खुश हैं, और क्वेश्चन पूछा आरंट अस, और मैंने पूछा कि बेटा इसमें कौन से वाले टुकड़े में गलती है, ए वाले में, बी वाले में, सी वाले में, या नो एरर है? एनी का मतलब होता है नो एरर, नो एरर, गलती नहीं है, ऐसा बताओ उसमें क्या गलती है। सी में क्या गलती है? अस की जगह क्या आएगा? क्या आएगा? क्लियर है ना? अच्छा एक और देखो, मैंने कहा कि जैसे दे शुड मीट अस, उन्हें हमसे मिलना चाहिए। मैंने कहा कि एक ऑप्शन दे दिया मैंने उसे, शुडंट देम, बोलो गलती क्या कर दी मैंने, बोलो क्या गलती कर दी? सर देम नहीं आएगा, क्या आएगा? तुम्हें कैसे पता लगा देम नहीं आएगा दे आएगा? क्योंकि सर देम नाम की चीज क्वेश्चन टैग में आती ही। अच्छा मैंने कहा ऑल आर सैड टुडे, आज सभी क्या है? अरे बोलो आज सभी क्या है? दुखी है, उदास है। मैंने इसका क्वेश्चन टैग पूछा तुमसे क्या आएगा, ऑप्शन ए आर ऑल, ऑप्शन बी आरंट ऑल, ऑप्शन सी आर दे, ऑप्शन डी आरंट दे। पहले तो तुम यूं बताओ कि क्वेश्चन टैग में क्या ऑल नाम का आता है कि प्रोनाउन? अरे क्वेश्चन टैग में ऑल नाम का प्रोनाउन आता है क्या? नहीं आता ना, नहीं आता ना। तो कौन कौन से ऑप्शन ने निखालस काट दूं? बोलो ए को और बी को, इन दोनों में से कौन सा सही मानूं? डी। क्यों? इसमें नॉट नहीं है, इसमें नॉट है, तो ये सेंटेंस पॉजिटिव है और ये नेगेटिव बनेगा, तो इन दोनों में से नेगेटिव कौन सा था? डी, इसलिए मैंने सी। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाता, या तो रिक्त स्थान वाला आता है, या एरर वाला आता है, या सुधार वाला आता है। तो अभी मैंने दोनों तरह के दिए आपको, एक तो रिक्त स्थान वाला दिया और एक एरर वाला दिया। एरर वाला ये है पहला वाला, ये दोनों रिक्त स्थान वाले हैं। अब मैं सुधार वाले भी दे दूंगा आपको आगे, ठीक है ना? चलो हटा दूं, कंप्लीट है, कोई दिक्कत है? चलो आज से नया देखो, अपन को याद क्या रखना है कि जो सेंटेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होगी वही हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन टैग के अंदर जाएगी। अगर सेंटेंस के अंदर इज है तो इज, बॉज है तो बॉज, हैज है तो हैज, डज है तो डज, डू है तो डू, जो हेल्पिंग वर्ब अंदर है वही हेल्पिंग वर्ब बाहर जाएगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इधर इज है में इज है तो उधर बाज कर दिया, इधर इज है तो इधर आर कर, ऐसे नहीं कर सकते। कर सकते हैं कुछ स्थितियों में जो अपन देख लेंगे बाद में, लेकिन आप एक लाइन लिखो सेंटेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है, सेंटेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है क्वेश्चन टैग में वही हेल्पिंग वर्ब जाती है, क्वेश्चन टैग में वही हेल्पिंग वर्ब जाती है। हेल्पिंग वर्ब्स निम्न होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स निम्न होती हैं, मेरे साथ साथ लिखते चलो। पहली लाइन में तो इजेमार लिखना, दूसरी लाइन में बाजवर, और तीसरी लाइन में क्या लिखना? हैज, हैव और हैड। चौथी लाइन में क्या लिखना? डू, डज और डिड। और पांचवी लाइन में लिखना कैन, कुड, मे और माइट, शैल, शुड। शैल शुड के बाद क्या माना, क्या बोलू? बोलो बिल, बिल का क्या बनता पास्ट? वुड। इसके बाद मस्ट, इसके बाद नीड, इसके बाद डेयर, इसके बाद ऑड टू और यूज टू, यूएसईडी यूज टू, ये हेल्पिंग वर्ब है सारी। अब तो तुम सेंटेंस में इनको देख के झट से पहचान जाओगे कि नहीं पहचानोगे?
पहचान जाओगे ना, पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात याद रखोगे कैसे, कि सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग, सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग, याद रखोगे। चलो पांच क्वेश्चन लिखो, पांच क्वेश्चन लिखो, मोहन लिखते चलो, आवाज नहीं करनी है, आवाज करोगे भगा दूंगा बाहर क्लास में से। मोहन शुड वेट, और कंपटीशन का बच्चा आवाज करने लग गया, समझ लो उसकी एकेडमिक लाइफ अभी खत्म नहीं हुई है, गलती से आ गया। मोहन शुड वेट फॉर अस, मोहिनी, मोहिनी वॉज वेरी हैप्पी दैट डे, वेरी हैप्पी दैट डे। आई डिड नॉट सी यू देयर, आई डिड नॉट सी यू देयर। सुमन डज नॉट, सुमन डज नॉट ईट बर्गर। देयर इज नो मनी, देयर इज नो मनी टुडे। कितने सेंटेंस हो गए, एक दो तीन चार और पांच, इनको बनाओ, कल अपन इनके आंसर्स देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल अगले एपिसोड में, इसी जगह इसी वक्त, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, बाय बाय।